हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 17 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 18, निबंध लेखन। आइए बच्चों, इस पाठ को बड़े ही ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 18, निबंध लेखन। तो बच्चों, निबंध लेखन क्या है? जब भी हम अपने विचारों को, घटनाओं को, कथाओं को या भावों को व्यक्त करते हैं, ठीक है, वो कहलाता है हमारा निबंध। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। निबंध द्वारा मनुष्य अपने विचारों, घटनाओं, कथा पठ स्टार्ट। निबंध द्वारा मनुष्य अपने विचारों, घटनाओं, कथाओं, भावों आदि की अभिव्यक्ति करता है, अर्थात निबंध मनुष्य द्वारा जीवन से प्राप्त किए गए अनुभवों की अभिव्यक्ति है। क्या है निबंध? जिसमें भी मनुष्य अपने विचारों को बताए, घटनाओं को बताए, भावों को बताए, कथाओं को अभिव्यक्त करता है, वो कहलाता है हमारा निबंध लेखन। नीचे दिए गए निबंधों को पढ़िए और स्वयं निबंध लेखन का अभ्यास कीजिए। अब बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ निबंध दिए हैं, जैसा कि पहला दिया है आतंकवाद। तो देखते हैं आतंकवाद पे। अपनी शक्ति तथा प्रभुत्व से जनमन में भय की भावना का निर्माण करना तथा उद्देश्य सिद्ध करना ही आतंकवाद है। भारत में आतंकवाद भारत में आतंकवाद नक्सलवादी आंदोलन के रूप में सन 1967 में शुरू हुआ था। बंगाल प्रांत के उत्तरी छोर पर नक्सलवाणी एक स्थान है जहां से एक नए विचार ने जन्म लिया, एक नई राजनीति पनपी जिसका आधार हिंसा था। तो आतंकवाद क्या है बच्चों? कि जो भी अपनी शक्ति और अपने प्रभुत्व को एक डरावने भय के द्वारा क्या करे, लोगों पर उसको सिद्ध करे, उसका निर्माण करे, वो कहलाता है आतंकवाद। तो आतंकवाद का आंदोलन कब शुरू हुआ? वो हुआ 1967 में। कहां पे? बंगाल प्रांत के उत्तरी छोर पर एक स्थान है नक्सलवाड़ी, और वहीं पे जो नई राजनीतियां बनी उसका आधार क्या था? हिंसा। लोगों की हत्याएं की गई जिससे भयपूर्ण वातावरण का जन्म हुआ। इस आंदोलन के कारणों पर यदि दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि नौजवानों की बेकारी, जातिवाद तथा धनाढ्य लोगों और जमींदारों द्वारा निर्धन किसानों के दमन और शोषण ही नक्सलवाद के जन्म के लिए उत्तरदायी है। धीरे धीरे यह आंदोलन आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि प्रांतों में भी फैलने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों की हत्याएं की गईं, अनेक लोगों का अपहरण किया गया और अनेक लोगों को यातनाओं का शिकार होना पड़ा। क्या हुआ? जब हिंसा आधार बनी नई राजनीति का, तो उसमें क्या हुआ? लोग डरने लगे, बहुत हत्याएं होने लगी और दृष्टिपात कारण बने इन सब चीजों का। नौजवान की बेकारी, जातिवाद तथा धनाढ्य लोग और जमींदारों द्वारा निर्धन किसानों के साथ दमन हुआ, उनका शोषण हुआ, और यह आंदोलन आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि में फैल गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? कि बहुत सारे लोगों की घटनाएं हुई कट स्टार्ट। इसका परिणाम हुआ कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, लोगों के अपहरण हो गए और लोग यातनाओं का शिकार हो गए। सन 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी तो पंजाब में भी इस भीषण समस्या ने जन्म लिया तथा भिंडरवाला के नेतृत्व में आतंकवाद का वृक्ष खूब फलने फूलने लगा। जिसने भी उसका विरोध किया उसका सिर कुचल दिया गया और अनेक प्रकार कट और अनेक पत्रकार, राजनेता, पुलिस अफसर तथा जनता के प्रतिनिधि अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्या हुआ 1980 में? कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो दोबारा से प्रधानमंत्री बनी,
और यह जो भीषण समस्या थी आतंकवाद की, वो पंजाब में भी फैल गई और खूब फैली, जिसमें क्या हुआ, लोगों का सिर कुचला, बहुत सारे जो पत्रकार थे, राजनेता थे, पुलिस अफसर, सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। कालांतर में स्वर्ण मंदिर पर सैनिक बल प्रयोग ऑपरेशन ब्लू स्टार से भिंडरवाला का अंत हो गया, परंतु उसके अंत से आतंकवाद को मानो और बढ़ावा मिल गया। आतंकवादियों ने प्रतिशोध स्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी। क्या हुआ, जो स्वर्ण मंदिर था उस पर एक सैनिक बल प्रयोग किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो उसमें क्या हुआ, भिंडरवाला का अंत हो गया और मानो कि आतंकवाद तो बढ़ता ही चला गया। इसमें क्या हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए संत लोगोवाल से समझौता किया, पर इसका भी आशातीत परिणाम नहीं निकला। संत लोगोवाल की भी हत्या कर दी गई। हजारों लोग आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं तथा हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दल इस समस्या का अंत चाहते हैं, पर यह समस्या लगता है उनके काबू से बाहर है। निर्बाध गति से चलता यह आतंकवाद भारतीय जनमानस के नाम पर एक कलंक है, जिसके कारण हमारी प्रतिष्ठा गिरी है। क्या हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद जो थे राजीव गांधी वो भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने क्या किया कि आतंकवाद को समाप्त करें, इसके लिए उन्होंने संत लोगोवाल से समझौता किया, लेकिन इसका परिणाम भी कुछ नहीं हुआ। अंत में संत लोगोवाल जो थे उनकी भी हत्या हो गई और यह आतंकवाद बढ़ता ही चला गया और भारतीय जनमानस के नाम पर एक कलंक बन गया, जिसके कारण जो हमारी प्रतिष्ठा थी वो गिरती चली गई। आज तो स्थिति और भी भयावह हो गई है। पंजाब ही नहीं, त्रिपुरा, बिहार और आंध्र प्रदेश में माफिया तथा नक्सलवादी कट स्टार्ट तथा नक्सलवादी ग्रो, असम में बोडो आंदोलन तथा कश्मीर में आतंकवाद का भीषण तांडव आए दिन खेलने को मिल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जनजीवन सुरक्षित नहीं रह गया है। क्या हो रहा है, स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सब डर रहे हैं बहुत ज्यादा। पंजाब ही नहीं, त्रिपुरा, बिहार, आंध्र प्रदेश, सभी जगह आतंकवाद की भीषण आग फैली हुई है और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि जो जनजीवन है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब हमें यहाँ पे एक दूसरा निबंध भी दिया है, जो कि है खेलकूद अथवा व्यायाम के लाभ के ऊपर। जैसे कि वहां क्या था, हमारा निबंध लेखक का शीर्षक था कट स्टार्ट। निबंध लेखक का पहले में क्या शीर्षक था, आतंकवाद। तो पूरा आतंकवाद के बारे में बताया गया है। अब ये दूसरा है खेलकूद और उसके यानी कि या व्यायाम के लाभ। तो अब देखते हैं इस निबंध को। जीवन में हर कोई सुख चाहता है, कोई यह नहीं चाहता कि उसे कुछ कष्ट या दुख हो। कट स्टार्ट। यह सुख दो प्रकार का होता है, एक मानसिक और दूसरा शारीरिक। दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। क्या है आज के समय में बच्चों, हर कोई चाहता है कि हम सुखी रहें, दुख हमको या कष्ट हमको छुए भी नहीं। इसके लिए हमारा स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद और व्यायाम बहुत जरूरी है। खेलकूद तथा नियमित व्यायाम करने से शरीर बलवान, सुंदर और सुडौल बनता है। पसीना निकलने के कारण शरीर हल्का और फुर्तीला हो जाता है। खेलों से सहन शक्ति, आत्मविश्वास, काम करने की क्षमता और बुद्धि का विकास होता है। खेलकूद तथा व्यायाम के लाभों के बारे में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। क्या है, हमें शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या करें, खेलें कूदें और व्यायाम करें। इससे क्या होगा, हमारा शरीर भी सुंदर बनेगा, बलवान बनेगा और हम में फुर्ती आएगी, हम में आत्मविश्वास बढ़ेगा
और कार्य करने की क्षमता का भी विकास होगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग सभी खेलकूद और व्यायाम करें। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि शरीर को निरोग रखने के लिए प्राणायाम और योगासन आदि करते थे। आज भी कुछ लोग इनका आचरण करते हैं। आयु और शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। कमजोर तथा बूढ़े लोगों के लिए प्रातःकाल का भ्रमण, सायकाल की सैर, खुली हवा में लंबी लंबी सांस तथा एक जगह खड़े होकर हल्का फुल्का व्यायाम करना लाभदायक होता है। बच्चों और युवकों को दौड़ लगाना, कुश्ती लड़ना, आसन करना आदि शारीरिक व्यायाम करने चाहिए। बच्चों, क्या है कि जो हमारे पुराने लोग यानी कि होते थे ऋषि मुनि, वो क्या करते थे, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यानी कि निरोग रहने के लिए प्राणायाम और योगासन करते थे, जिनसे क्या होता था, उनका आचरण भी बहुत अच्छा होता था और आयु में भी बढ़ोतरी होती थी और उनमें खूब शक्ति और फुर्ती रहती थी। और क्या होता था कि बूढ़े लोगों को क्या करना चाहिए, प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए, सायकाल की सैर करनी चाहिए, खुली हवा में लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए और थोड़ा बहुत व्यायाम भी करना चाहिए। और बच्चों को क्या करना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, कुश्ती करनी चाहिए, आसन आदि करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। व्यायाम सदा नियमित रूप से ही करना चाहिए, तभी शरीर को सही लाभ होगा। व्यायाम करने के बाद थोड़ा विश्राम तथा सादा पौष्टिक भोजन करने की आवश्यकता होती है। खाना खाने के बाद तथा बीमारी से ठीक होने से एकदम बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। उचित समय पर और सही तरीके से व्यायाम करने से जीवन में सुखों की बहार लाई जा सकती है। तो क्या करना चाहिए कि हमें व्यायाम आवश्यक रूप से करना चाहिए, एक नियमित समय पर करना चाहिए और उसके साथ ही हमें हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए और बाद में हमें थोड़ा विश्राम भी करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम बीमार पड़े तो हम तुरंत व्यायाम करें, हमें अपना ध्यान रखते हुए व्यायाम करना चाहिए। खाना खाने के बाद भी हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए, मतलब है कि हमें सही तरीके से और सही समय पर व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख ही सुख हो। अब तीसरा दिया है, इसमें हमें समाचार पत्र। अब बच्चों, यहाँ हमें समाचार पत्र के बारे में बताया है कि उसके बारे में विचार प्रकट हुए हैं, भाव प्रकट हुए हैं, उनसे सबसे मिलकर क्या बनाया गया है, निबंध। तो देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आज हम में से प्रत्येक चिंतित है कि देश में सुख और समृद्धि कैसे आएगी। आपने इसी प्रयास में वह अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है तथा दूसरे के विचारों को जानना चाहता है। इतना ही नहीं, वह अपने आसपास तथा देश विदेश की गतिविधियों तथा विश्व में होने वाले परिवर्तनों तथा घटनाओं को भी जानना चाहता है। यह सारी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्या है मनुष्य, क्या है एक सामाजिक प्राणी, और सभी क्या है, बहुत चिंतित। क्या बनाना चाहते हैं अपने देश को, बहुत अच्छा, और जो हमारे विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों के विचार हैं हम तक पहुंचाने चाहते हैं, या आसपास देश विदेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं, परिवर्तन होने हो रहे हैं, वो हम सब आप सब जानना चाहते हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा माध्यम क्या है, समाचार पत्र। ऐसा माना जाता है कि समाचार पत्र का जन्म चीन में हुआ। कहा जाता है कि पीकिंग गजट विश्व का प्रथम समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। हिंदी के साहित्यकारों ने भी समाचार पत्रों के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उदर मातंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। स्वाधीनता से पहले निकलने वाले समाचार पत्रों ने स्वाधीनता संग्राम में जो भूमिका निभाई वह सराहनीय है। यूं तो विज्ञान की प्रगति से समाचार जानने के कई साधन हैं, किंतु हम अपने आसपास तथा विश्व में घट रही घटनाओं को विस्तार पूर्वक जानने के लिए सबसे अधिक समाचार पत्रों का सहारा लेते हैं। क्या बताया कि जो समाचार पत्र है उसका जन्म कहाँ हुआ, चीन में, और वहां का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था, पिकिंग गजट।
और भारत का पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? बंगाल गजट। और क्या हुआ, जो हिंदी के साहित्यकार थे उन्होंने इसमें बहुत सहयोग दिया। जो हिंदी का था प्रथम समाचार पत्र वो था उदंत मातंड। स्वाधीनता से पहले समाचार पत्र में स्वाधीनता संग्राम में जो भी भूमिका निभाई वह बहुत ही सराहनीय थी। विज्ञान में तो प्रगति हो रही है दिन पे दिन, कि समाचार जानने के लिए बहुत सारे साधन हैं, कि जो भी आसपास की घटनाएं घटित हो रही हैं उन सबको हम समाचार पत्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे से जान लेते हैं। समाचार पत्र ज्ञान तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही मनोरंजन भी करते हैं। यह समाज में जानकारी देने के साथ साथ नए वाद, खेलकूद, सिनेमा से जुड़ी खबरें, बाजार भाव तथा सरकारी गैर कानूनी सूचनाएं संबंधी जानकारी भी देते हैं। समाचार पत्रों द्वारा समाज में फैली बुराइयों और अत्याचारों के विरुद्ध लोगों में क्रांति पैदा करने का कार्य भी किया जाता है। समाचार पत्र प्रजातंत्र का स्तंभ है। ये सरकार की उचित आलोचना द्वारा उसे सही मार्ग पर चलने को विवश करते हैं, इसलिए इन्हें प्रजातंत्र का सजग प्रहरी कहना गलत न होगा। क्या होता है, समाचार पत्र से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमें मनोरंजन भी होता है। हमें सामान्य जानकारियां मिलती हैं, खेलकूद के बारे में, सिनेमा के बारे में, बाजार के बारे में, सरकारी बारे में या गैर कानूनी जो भी सूचनाएं हैं वो हमें सब उनकी जानकारी मिलती है। और जो क्या होता है, बुराइयां या अत्याचार हैं विरुद्ध देश के, उनमें भी जो क्रांतियां चल रही हैं, उनके जो कार्य चल रहे हैं या जो क्रांति पैदा हो गई है, उन सब का हमें भली प्रकार ज्ञान मिलता है। समाचार पत्र का तंत्र क्या है, प्रजातंत्र का स्तंभ। वो क्या है कि लोगों को विवश करते हैं सही मार्ग पर चलने के लिए। लेकिन यह कहना एकदम सही होगा कि प्रजातंत्र का सजग प्रहरी कट। स्टार्ट। समाचार पत्र क्या है, प्रजातंत्र का स्तंभ। यह सरकार की उचित आलोचना द्वारा सही मार्ग पर चलने को विवश करते हैं, इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि प्रजातंत्र का सजग प्रहरी है, कि यह प्रजातंत्र का सजग प्रहरी है। कट। स्टार्ट। इसलिए कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि यह प्रजातंत्र का सजग प्रहरी है। अब इसके आधार पर दिया है बच्चों हमें अभ्यास। कट। स्टार्ट। अब बच्चों इसके आधार पर हमें दिया है अब बताइए। अब बताइए में हमारा प्रश्न है निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। अब यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ विषय दिए हैं, भ्रष्टाचार, दीपावली, मेरा मित्र, मेरी प्रिय पुस्तक। अब हमने आपको निबंध बताया कैसे लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, तो आप इस प्रश्न को स्वयं हल करेंगे। और बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमारा यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 18 निबंध लेखन का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे, इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और निबंधों को लिख कर देखेंगे। और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।